आज मैं जो कुछ भी हूं इसी मिट्टी के संस्कारों के कारण है, इसी मिट्टी में खेला हूं। और पुरातत्व विभाग का कहना है हिंदुस्तान में वडनगर इकलौता ऐसा नगर है 2500 वर्षों से लगातार एक जीवित नगर रहा है, कभी न कभी लोग यहां रहे हैं। यह नगर किसी भी कालखंड में मृतपाय नहीं हुआ। नमस्ते दोस्तों, जॉय ऑफ वॉन्डरिंग में आपका स्वागत है। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर और महसाणा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वडनगर एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसका इतिहास बहुत वैभवशाली और समृद्ध है। यहाँ आज भी कई प्राचीन और मध्यकालीन स्मारक देखे जा सकते हैं। इनमें से सबसे प्रेरक है हाटकेश्वर महादेव मंदिर, कीर्ति तोरण, शर्मिष्ठा झील और तानारीरी स्मारक उद्यान। वडनगर शहर के बाहर स्थित हाटकेश्वर मंदिर करीब 1800 साल पुराना है। वर्तमान मंदिर नागराज हरिराज नाइक द्वारा 1402 में बनाया गया था। हाटकेश्वर महादेव नागर ब्राह्मणों के कुल देवता माने जाते हैं। इस मंदिर में रामायण महाभारत के प्रसंगों के शिल्प और देवी देवताओं के शिल्प देखे जाते हैं। बारहवीं सदी में राजा कुमारपाल ने शहर के चारों तरफ दीवारें बनवाई थी, जिसमें 6 दरवाजे थे। भूतकाल में अलग अलग समय पर वडनगर 4 नाम से जाना जाता था, स्नेहपुर, विमलपुर, आनंदपुर और आनर्थपुर। शर्मिष्ठा तालाब का सौंदर्य वडनगर की शोभा में वृद्धि करता है। यह तालाब का नाम भक्त कवि नरसिंह मेहता की पौत्री शर्मिष्ठा के नाम पर रखा गया है। प्राचीन काल में झील के तट पर सुंदर महालय और देवालय थे। ऐसा माना जाता है कि यहां 3000 से भी ज्यादा मंदिर थे। यह तालाब में कपिला नदी का पानी आता है। प्रसिद्ध कीर्ति तोरण शर्मिष्ठा झील के तट पर स्थित है। बताया जाता है कि सोलंकी राजाओं ने 12वीं शताब्दी में तोरण का निर्माण करवाया था। ये 40 फीट लंबे तोरण लाल और पीले पत्थर के बने हुए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन्हें सोलंकी राजाओं ने मालवा पर जीत के प्रतीक के रूप में बनाए थे। शर्मिष्ठा झील के सौंदर्यीकरण के वक्त प्राचीनकालीन ईंटें मिली है। यहां बौद्ध स्तूप के मिलने से गुजरात में बौद्ध धर्म की उपस्थिति के बारे में पता चलता है। और ह्यूएन संघ ने लिखा था कि वडनगर में सैकड़ों साल पहले भगवान बुद्ध के भिक्षुओं की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी और यहां 10,000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु का शिक्षा कार्यक्रम होता था। वडनगर में गायिकाएं ताना और रीरी का जन्म भी हुआ था। जब तानसेन ने अकबर के दरबार में दीपक राग गाया था तो उसका शरीर पूरी तरह से झुलस गया था। तब इन दोनों बहनों ने गाए मल्हार राग के बाद तानसेन का ताप कम हुआ था। तानारीरी उद्यान में ताना और रीरी के स्मारक मंदिर भी बनाए गए हैं। दोस्तों, तानारीरी की पूरी कहानी के बारे में मैं जॉय ऑफ वॉन्डरिंग के अगले किसी वीडियो में बात करूंगा।
वड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय की जिस दुकान पर मोदी जी अपने बचपन में चाय बेचते थे उसे पर्यटन के तौर पर विकसित किया गया है। यह स्टेशन और चाय की दुकान मोदी जी के संघर्ष और पुरुषार्थ के साक्षी है।